वो ये काम करेगा ही नहीं, नहीं। मैं वो यही तो कह रहा हूँ, लड़की जब भी तो ये मैं इनमें यूज करता, ये बना होता कि कलर। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब पर, जिसका नाम है मनोज वीडियो इक्विपमेंट। तो दोस्तों आज जो मैं पीसी बनाने जा रहा हूँ एडिटिंग के लिए, सबसे बेस्ट प्रोसेसर कम बजट में, वही अपना 13500 प्रोसेसर, और जो है दोस्तों XPG का Gen 3 SSD, जो कि 500 GB का होने वाला है, कोरसेयर का DDR5 5200 MHz का रैम, और सबसे जरूरी दोस्तों ये अपना मदरबोर्ड जो कि आप देख सकते हो गीगावाट वाले के B760 DS3 वाईफाई वाले मदरबोर्ड। और जो दोस्तों हम इसके अंदर में दोस्तों इस पीसी के अंदर में जो मैं पावर सप्लाई यूज करने जा रहा हूँ, वो 550 वाट का कूलर मास्टर का है। जो मैं कूलर यूज करने वाला हूँ वो अपने भाई का ही रिक्वायरमेंट है, कि ना कि मेरा है। तो जिन भाई का ये पीसी है उन्हीं का ये रिक्वायरमेंट है कि भैया जी मेरे को आफ्टर मार्केट कूलर चाहिए। हालांकि इस प्रोसेसर के साथ में आता है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी भाई ने कहा मैं लगा दे रहा हूँ। एंटास्पोर्ट की तरफ से आने वाला है AC 612, और कैबिनेट आप देख ही सकते हो ग्लैक्स का Revolution 5। ये व्हाइट में भी आता है और ब्लैक में भी आता है, तो ये वाला ब्लैक है। एक और भी है जो दूसरे भाई के लिए बनाऊंगा, वो व्हाइट वाला बनाऊंगा। तो दोस्तों कुछ भाइयों का सवाल भी यहीं ले लेता हूँ। कुछ भाई बोलते हैं कि मेरे को 12th जनरेशन में जो है i7 या फिर i5 बनाने हैं। i5 12th जनरेशन में जो दोस्तों बनेगा मशीन, वो आपको 46 से लेकर के 48,000 के बीच में बैठेगा। और वही i7 की बात करें तो i7 आपको जो मेरे पास में पड़ेगा वो 75,000 से लेकर के 79,000 के बीच में पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको दोनों पीसी को बता दिया। अब इस पीसी के बाद बता दूं आपको, तो ये मशीन मेरे पास में जो पड़ेगा आपको वो 55,000 से लेकर के 57,000 रुपये के बीच में। जिन भाई का ये पीसी है उन भाई का रिक्वायरमेंट था कि मुझे एक 2 TB का हार्ड ड्राइव भी लगाने हैं। तो 2 TB का हार्ड ड्राइव आपको पता ही है सभी भाइयों को कि इस प्राइस महंगा हो गया है। SSD का भी प्राइस और हार्ड डिस्क का भी प्राइस, दोनों का प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। यह हार्ड ड्राइव पहले आया करता था 4,000 से लेकर के 4,400 रुपये के बीच में, और आज के रेट में मैं दोस्तों 5200, 5400, 5500 रुपये के मिलते हैं 2 TB। दोस्तों कुछ भाइयों का कहना है कि EDS का डेटा मैं मैक पर चला सकता हूँ, तो नहीं चला सकते। प्रीमियर का डेटा, तो प्रीमियर का डेटा दोस्तों आप मैक में यूज कर सकते हो, हालांकि वर्जन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आपका सेम वर्जन है तो मैक में चल जाएगा, नहीं तो वो भी मैक में नहीं चलेगा। का ये पीसी है उन भाई के लिए, तो उन भाई को भी मैं अपना जो है सिनेमैटिक वाला डेटा दे रहा हूँ। जो भी भाई चाहते हो कि कम बजट में मेरे को पीसी बनाओ, तो उन भाइयों के लिए मेरा सजेशन है कि मेरे भैया जी 13th जनरेशन का मशीन बनाइए 13500। एडिटिंग में फारू है, और इसका कंपेयर का भी वीडियो मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हो। और जिन भाइयों ने अब तक मेरा 336 वाला विधि प्रोजेक्ट या फिर 155 वाला विधि प्रोजेक्ट नहीं देखा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। और बहुत जल्दी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 4K वाला प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ, जो कि कुछ ही दिनों में मेरा रेडी हो जाएगा। अभी हमारे उस पर काम चल रहा है। अब रह गया दोस्तों डेटा की प्राइस, 6,500 रुपये का EDS का डेटा है, 6,500 का ही प्रीमियर का डेटा है, तो कोई भी डेटा लोगे तो 6,500 ही लगेगा। तो जिन भाइयों को भी डेटा चाहिए EDS का, प्रीमियर प्रो का, या फिर आपको पीसी बनवाने हैं कम बजट में, तो आप मेरे पास में आ सकते हो, पीसी बना सकते हो। और आप सभी भाइयों को पता ही है कि मेरा एड्रेस क्या है, मेरा एड्रेस दिल्ली है दोस्तों, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो जो भी भाई मेरे पास में आते हैं उनको पता ही होता है। ज़्यादा देर ना करते हुए इस पीसी को बिल्ड करते हैं और फिर उन भाई से बात करेंगे। नहीं, पॉइंट तो चार वैसे ही होते हैं, तीर बना रहता है, इसे भी लगा रहता बना रहता है। बाकी तीन जो है गोल रहेगा, एक कट का निशान, ठीक है, उसको जो है इस पिन पे हाथ नहीं लगाना है, इसको आराम से प्रोसेसर को टाइट कर दो, हो गया।
बिल्कुल चलेगा यार, नहीं स्पीड के मामले में बिल्कुल चलेगा। कहते हैं ना i9 ज्यादा से रॉकेट घूमता है, कौन कहता है i7 रॉकेट। भाई कहने वाला तो पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, तो उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। चार पाँच साल अच्छे तरीके से डालेंगे इसमें, जब आप देखोगे तो ये कट जो है इसमें आवाज आएगी, मैच हो गया होगा, बस लग गया। टाइप सी जेन 2, ठीक है। ये आपका जो है दो एक HDMI, दो डिस्प्ले पोर्ट, तीन मॉनिटर एक साथ चला सकते हैं आप। सब चीज़ ठीक है इसका, जो चीज़ में प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे वो शो कर देगा। ये देखो यहाँ पे आपका B760 मदरबोर्ड है, इसका 22 लेटेस्ट वाला है, 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 16 GB रैम लगा है, DDR5 में 13500 प्रोसेसर है, 6 स्मार्ट फैन इसका चल रहा है, जिसका कि स्पीड आपका 1436 है। जैसे जैसे सिस्टम पर लोड बढ़ेगा इसको अकॉर्डिंग अपने आप ही ये चलता जाएगा। अब इसके अंदर में जो है, अगर मैंने मान लो कि बायोस सेट कर दिया, अगर आप इसको बायोस को रीसेट करते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। आगे जाना है तो इस पर जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्विकर सेटिंग, सेटिंग में जाने हैं, IO पोर्ट, यही मेन चीज़ें हैं।
हाँ एक इंपोर्ट करता हूँ, बाकी जितना आपको चाहिए उतना ही करना। राइट क्लिक करना, इंपोर्ट, जो भी आपको चाहिए उठा के डाल दी बस। अब ये हो गया आपका एक प्रीसेट। ये प्रीसेट चलते थे पहले, अभी लोग जो है जो भी जो आदमी DSLR से शूट करते हैं वो ये काम करेगा ही नहीं। मैं वो यही तो कह रहा हूँ, लड़की जब भी तो ये मैं इनमें यूज करता, एक बना होता कि कलर हल्के होते ना, वो एक बार उन्हें कंट्रास्ट बढ़ जाता है, जेनरेट खत्म हो जाता है वो जो है वो मैं समझ गया आपकी बातें। तो जो इसमें कंट्रास्ट बढ़ गया ना, तो जिसमें कंट्रास्ट कम होगा उसमें ये कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। इसमें बहुत सारा इफेक्ट है, अपना चेक कर लेना। हाँ, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, ये जो ये जब कोई काम ना बचे ना प्रोजेक्ट बनाने के लिए तब ये बनाते हैं, समझ गए। या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कुछ यूनिक चीज बना ले तो हमने इसको सेव कर ले। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको सिखा भी देता हूँ, ये रहा, ये मेरा है ब्लैक एंड व्हाइट का, इसी को मुझे मॉडिफाई करने का है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, अब इसी को मैंने यहाँ से सेव कर दिया। इस पे जो यूज किया था इसको हमने डिलीट किया, हट गया, हमने डाल दिया, बन गया। तो ये इसी प्रकार से बनते, समझ गए। तो ये इन चीजों में क्या ही है? और कुछ देखना है? नहीं, कुछ नहीं देखना, क्या देखना है तो?